वेलकम टू माय चैनल मेकिंग होम्स आज मैं आपको दाल का ड्राई चटनी या वड़कल चटनी पुड़ी बनाने का तरीका बताऊंगी। जिसके लिए हमें चाहिए आधा कप उड़ीद दाल एक कप चना दाल, थोड़े से कड़ी पत्ते एक टेबलस्पून जीरा दो टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और थ्री फोर्थ कप सूखा खोबरा खिसा हुआ पहले मैं एक पैन में चना डाल डालकर इसको ड्राई रोस्ट करूँगी इसमें हम लोग बिल्कुल भी तेल नहीं डालेंगे ऐसे ही हम लोग इसको ड्राई रोस्ट करेंगे ये लगभग आधा होने के बाद हम लोग इसमें उड़ी दाल डालेंगे और उसको भी हम लोग दोनों साथ में ड्राई रोस्ट करेंगे अभी आप देख सकते हो कि ये लगभग हो गया है अभी मैं इसको एक कंटेनर में निकाल लूँगी ताकि ये ठंडा हो सके अभी ये कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है इसको हम लोग एक मिक्सी में डालकर बहुत ही बारीक नहीं पीसना है दरदरा इसको हम लोग पीस के लिया है आप देख सकते हो मैंने इसको दरदरा पीसा है अभी हम लोग पैन में एक चम्मच तेल डालेंगे जिसमें मैं जीरा कड़ी पत्ता और हींग डालकर उसके बाद हम लोग इसमें हमारा जो सूखा कोबरा खींच के लिया है वो भी थोड़ा डालकर इसको भुनेंगे ये अच्छे से कड़ी पत्ता और जीरे का फ्लेवर बहुत ही मर, अच्छे से आता है अभी मैंने सूखा खोबरा भी डाल दिया है और इसको थोड़ा सा हम लोग भूनेंगे अभी सारी तैयारियाँ हो गई है अभी हम लोग चटनी बनाएंगे जिसके लिए हम लोग एक कप रवा लिया है जो उड़ी दाल और चना डाल का जो रवा बना के रखा है हम लोगों ने वो एक कप और बाकी जो मसाले हम लोगों ने भून के रखे हैं वो सारे कड़ी पत्ता हींग खोबरा और फिर जीरा का और उसके बाद हम लोग लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा हम लोग नमक डालेंगे और इसको हम लोग मिक्सी में पीस लेंगे तो आप देख सकते हो बन गया हम लोगों का हाई प्रोटीन दाल का चटनी या वड़कल चटनी पुड़ी अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरा चैनल मेकिंग होम्स थैंक यू फॉर वॉचिंग